आगे देखते हैं कितनी चढ़ती है, 67 देखते हैं आगे जा करते कितने पे हिट करती है, फेस करते हैं इन गाड़ियों को, पास करते हैं देखते होती हैं हमसे या नहीं होती हैं। तो लेट्स सी ये गाड़ी हमसे पास होती है या नहीं होती है, और तीन गाड़ियों के साथ रेस लगाते हैं। आगे एक ब्लेंडर भी है और उसके आगे वो दो तीन गाड़ियाँ हैं। तो अभी यहाँ पे चाय पीने के बाद कच्ची छावनी में, और अभी हम निकल पड़े हैं सिदरा वाले हाईवे की ओर। बट उससे पहले हमें एक सबसे खतरनाक वाली जगह से गुजरना है, वो है ये ठंडा एरिया। काफ़ी ठंड रहती है इधर, और इधर से निकलते हैं पहले तो इस जगह का जाम जो वो उससे निकल जाएं, फिर जो है आगे की मुश्किल आते देखते। लेकिन रोड की हालत काफ़ी बुरी है और इस साइड ट्रैफिक भी काफ़ी बुरा है। यहाँ से आगे होता है हमारा सबसे मुश्किल सफ़र शुरू, क्योंकि इस साइड में ठंड काफ़ी रहती है। तो निकल रहे हैं अभी हम, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है तो ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। सामने से गाड़ी पे गाड़ी आए जा रही है और ओवरटेक करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है भाई साहब। ये देखा क्या, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, नॉर्मली उस साइड इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा ही इस साइड आ गए तो ठंड इतनी तेज़ आने लग गई है ना, तब भी मतलब कपड़े जैकेट डाले हुए हैं लेकिन ठंड उनके बीच में से आ रही है। धूप भी ऊपर से धूप भी है लेकिन ठंड ठंड क्या है कि धूप कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल धूप है। और इसके ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और व्यू आप देखोगे ना, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है इस रोड पे। लेकिन सिंगल रोड है तो ध्यान से चलना पड़ता है, कर्व्स काफ़ी ब्लाइंड है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस रोड पर ध्यान से चलना पड़ता है। आज मैं अपने ग्लोव्स भी जो है वो भूल चुका हूँ, मतलब आज ऐसा हो रहा था कि इतने दिन बाद बाइक चला रहा था जैसे कहीं चलाई ना हो कभी, तो ऐसा फील आ रहा था। मतलब डेली जब चलाते थे तो याद रहता था क्या क्या जो साथ में उठाना होता है, लेकिन आज कुछ भी याद नहीं रहा। और ऐसे ही निकल के आगे, मतलब काफ़ी दिनों बाद जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हम फर्स्ट टाइम, तो आपको याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, ह्यूमन नेचर है वो ऐसा ही रहता है। तो ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हम ग्लव के बिना आगे, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं सिदरा वाले पुल पे, सिदरा वाले ब्रिज पे। तो यहाँ से आगे ठंड में जो है वो थोड़ी कमी आने की जो पॉसिबिलिटीज है भाई। ऑन द सिदरा ब्रिज, और अभी हम यहाँ आगे रुकने की कोशिश करते हैं, कुछ फोटोज लेते हैं। तो यहाँ पे रुकते हैं और फोटोज लेते हैं, आसिफ को फोटोज लेनी है तो फोटोज लेते हैं, तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं। इस साइड आप देख सकते हो पीछे पूरा तवी का व्यू, ये तवी थोड़ी थोड़ी जो बहती हुई, और इस साइड का कुछ ये ब्रिज के ऊपर, अभी सनसेट होने वाला है और ये ब्रिज के ऊपर का व्यू काफ़ी खाली खाली है आज ब्रिज। और इस साइड से आप देख सकते हो पूरा कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी मैं आ चुका हूँ सिदरा, और अभी देखते हैं हमारी बाइक यहाँ पे कितना चढ़ती है, और ट्राई करते हैं, रोड जो है वो पूरा खाली है और मेरे साथ आसिफ बैठा पीछे, तो ट्राई करते हैं कितना चढ़ता है। अभी यहाँ पे सीधी चढ़ाई है तो बाइक कम चढ़ रही है, लेकिन आगे देखते हैं कितनी चढ़ती है, 67 देखते हैं आगे जा करते कितने पे हिट करती है, 72 उस दिन मैंने 100 टच किया था, लेकिन आगे आगे जो है वो यूटर्न है 84। आज 100 होना मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा 89 हुआ है अभी, जस्ट 89 प्लस भाई आज नहीं हो पा रहा है भाई। थोड़ी जहाँ पे चढ़ाई है तो नहीं कर पा रहा है, गाड़ी का पिकअप पीछे से हमने, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा था तो एकदम से चढ़ाई में उसने पिकअप नहीं पकड़ा, लेकिन 90 जो है वो टच किया था यहाँ पे, और गाड़ियाँ वहाँ पे यू टर्न ले रही थी तो मैंने पहले स्लो कर दी थी, तो उसकी वजह से जो पिकअप नहीं आते थे वो नहीं ले पाया। अगर मैं स्टार्टिंग से लिया होता तो 100 प्लस हो जाता। और आप सिदरा का व्यू देख सकते हो इस टाइम पे, क्या मस्त वाला व्यू है, सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आने का अलग ही मज़ा रहता है। अभी थोड़ी रेस करते हैं इन गाड़ियों को, पास करते हैं देखते होती हैं हमसे या नहीं होती हैं। तो लेट्स सी ये गाड़ियाँ हमसे पास होती हैं या नहीं होती हैं, ओवरटेक करने की ट्राई करते हैं। एक तो कर ली मैंने, दूसरी को करने की कोशिश कर, लेकिन पिछली साइड ऑटो आ गया और ऊपर से कर्व आ गया, बट ट्राई करते हैं, ट्राई ली वो भाई कर ली हमने, लेकिन ऑटो वाले ने बिल्कुल काट लिया था मेरी तरफ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ये वाला लीन भी काफ़ी मस्त वाला लीन है वो भाई। पत्थर जो ये छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं ना रोड पे, इनसे जो मतलब इतना खतरा रहता है इन पत्थरों से, हमेशा इन पत्थरों से बचना। जब भी आप तेज चल रहे हो तो इन पत्थरों के ऊपर अगर थोड़ा सा टायर टच होगा ना तो सीधा टायर बाइक जो नीचे गिर जाती है। तो
अब इन गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, देखते हैं। हमारे सामने एक वैगन और है, आगे एक और दो एक ऑटो एक वैन, ओ भाई उसने फिर से ओवरटेक कर लिया। बीच में से निकल गए हम, वैगनार को भी कर लिया। आसिफ जो है वो पीछे डर रहा है भाई, आसिफ काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, और ये वाला लीन काफ़ी ज़बरदस्त है इस कहो पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी रहती है और ये खतरा रहता है भाई। जब आप कहो से टर्न करते हो, ज़्यादा टर्न करते हो तो आगे कोई गाड़ी रुकी हुई हो तो सब खतरा रहता है भाई। तो अलग ही नेक्स्ट लेवल आज फिर से मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में, और मतलब एक नंबर राइड हो रही है, एक नंबर क्या बोलते हैं, एक नंबर राइड भाई साहब, पूरा लिटा दिया भाई। अभी इन गाड़ियों के साथ रेस लगाते हैं, आगे एक ब्लेंडर भी है और उसके आगे दो तीन गाड़ियाँ हैं, इस ग्रुप को ओवरटेक करने की ट्राई करते हैं। पहले लीन से निकलते हैं फिर ओवरटेक होगा, लेकिन आगे हमें रुकना भी है तो पहले हम रुक लेते हैं भाई साहब। अभी यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और फिर यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कासम नगर में, और यहाँ से अभी हमने जाना है बठिंडी वाली साइड, वहाँ पे हमें थोड़ा काम है तो वहाँ से फिर वापस निकलना है। लेकिन आगे जो ट्रैफिक देख के डर लग रहा है भाई, काफ़ी ट्रैफिक है, मतलब शाम के टाइम पर निकलते हैं। अभी इस ट्रैफिक में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे भाई। ये अंकल आगे स्कूटी पता नहीं कैसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं जैसे बीच में से निकल के मतलब जब निकलना है तो फिर रुकना नहीं है भाई साहब, कोई भी रास्ता दिख जाए तो निकल जाओ ऐसे। अगर आप एक बार घुस गए ट्रैफिक में और फंस गए फिर निकलना मुश्किल है। तो बठिंडी वाला काम हो गया डन, और अभी निकलते हैं वापस इस ट्रैफिक से। यहाँ पे इस जगह में ट्रैफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा है, निकलते हैं भाई। आज ट्रैफिक की वजह से ना पूरा मूड ऑफ हो गया है, हर जगह ट्रैफिक देखने को मिलता है। ऊपर से ये रोड हो भाई, आसिफ गिर गया था खड्डे में, आसिफ खड्डे में गिर गया था। उस साइड अगर आपको फ्लैग दिख रहे होंगे, कितने सारे फ्लैग हैं एक साथ में, उनको सेल कर रहे हैं वो, सामने अगर आपको दिख रहे होंगे यहाँ से अगर कैमरे में आ रहे होंगे। अभी निकलते हैं वापस, और आज मतलब बहुत हेडेक हो रहा है अभी, मतलब इतना मूड ऑफ हुआ है, ट्रैफिक की वजह से कोई हिसाब नहीं रहा। उस साइड से तो ठीक है, और आसिफ के साथ सफ़र करने में बिल्कुल बेकार है, ये डरता इतना है, पीछे से खड्डे में गिर गया था, बाल बाल बचा खड्डे में, बाइक से गिर गया था, काफ़ी मुश्किल से मैंने बचाया इसको, गिरते गिरते बचा लिया इसको। फिर ट्रैक्टर में लोड होके ट्रांसफार्मर जा रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर जो वो ट्रैक्टर में लोड होके जा रहा है, और हमें जगह नहीं दे रहा है भाई साहब, हमें जगह चाहिए। निकलते हैं इसके साथ साथ में, एक आगे मेरे और एक पीछे, दो ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर आगे और एक पीछे है। फाइनली ट्रैक्टर ने जो है साइड दे दी है। आज इस रोड पे जैम नहीं है, मतलब आज ये नई बात है, इसका चांद आ गया है, इस साइड रोड जैम नहीं है, बिल्कुल खाली रोड पड़ा है। यहाँ से ले लेते हैं हम यू टर्न और चलते हैं वापस अपने दरबार में, अपने दरबार में चलते हैं। आज बैक गेट से निकलते हैं क्योंकि अभी बैक गेट खुला है, बैक गेट की टाइमिंग है, और बैक गेट खुला हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से अभी हम सीधा अंदर चले जाते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस हॉस्टल में। तो गाइस आज के सफरनामे को करते हैं यहीं समाप्त, आज स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये सफरनामा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय।